हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर प्रमोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को देनी होगी एक साल में दो परीक्षाएं। फ्रेंड्स, जो कमेटी बनी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और MJPRU यानी बरेली यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की, इस टॉपिक पर कि किस आधार पर स्टूडेंट को प्रमोशन दिया जाए, किसकी एग्ज़ाम कराई जाए, तो उस कमेटी ने फाइनली अपनी सिफारिशें शासन को सौंप दी हैं। सिफारिशें कुछ पेपरों में भी इंगित हुई हैं कि ये सिफारिशें, उनमें कुछ विशेष बिंदु थे कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ कुछ सही नहीं हुआ है। बिंदुवत विशेष डिटेल ये थी, जिस पर एक टॉपिक पर आपका एक वीडियो भी आ चुका है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और जहां पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा कि पूरी सिफारिशें क्या क्या थी। उनमें ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट आक्रोशित हैं और स्टूडेंट में रोष है। स्टूडेंट का कहना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, एक साल में दो परीक्षाएँ कैसे दी जाएँ। प्रकरण ये है कि जो प्रमोशन की गाइडलाइन, जो सिफारिशें आई हैं इस कमेटी के द्वारा, जो सिफारिशें लागू हुई हैं शासन को दी गई हैं सिफारिशें, उनमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में इस बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें पार्ट वन में लास्ट ईयर प्रमोशन मिला था और प्रमोट होकर वो पार्ट वन से पार्ट टू में आ गए, यानी इस बार वो अगर एग्ज़ाम होते तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देते, तो उन स्टूडेंट को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ नई लाइनें भी उन्होंने जोड़ी हैं कि जब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोशन मिलकर वो थर्ड ईयर में चले जाएंगे तो थर्ड ईयर में उनके पार्ट टू के भी एग्ज़ाम होंगे और पार्ट थर्ड के भी एग्ज़ाम होंगे। ये विशेषता उस सिफारिशों में, उन सिफारिशों में कहा गया है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। पार्ट वन को ऐसा ही प्रमोशन कि सेकेंड ईयर में जितने नंबर आपके आएंगे वो पार्ट वन में हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनको थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा और जब थर्ड ईयर में आप चले जाएंगे, जब थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, थर्ड ईयर में ही आपको सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसको लेकर स्टूडेंट में तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। स्टूडेंट इस टॉपिक पर विस्तृत बोलना चाहता है कि आखिर में एक साल में माने आप लगभग 6-7 महीने में स्टूडेंट कैसे दो दो सालों की तैयारी कैसे कर पाएगा। ये बहुत गहन चिंता का विषय बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, और लेकिन थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को पेपर देने होंगे। उस गाइडलाइन में, उस सिफारिशों में साफ तौर से कहा गया है कि पार्ट वन को प्रमोशन, पार्ट टू को प्रमोशन, लेकिन आपको थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो सेकेंड ईयर के और प्लस थर्ड ईयर के भी आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और थर्ड ईयर वालों को एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बहुत खबर आ रही है कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट कैसे मैनेज कर पाएंगे कि आपको सेकेंड ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट सिफारिशों में ये कहना है कि एक साल के पेपर के आधार पर स्टूडेंट को कैसे डिग्री प्रदान कर दी जाए, क्योंकि अगर आपको इस बार प्रमोट कर दिया जाएगा तो आपको थर्ड ईयर के ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, लेकिन शासन का कहना है कि आपको एक साल के पेपर के आधार पर आपको प्रमोशन नहीं देना सही उचित होगा। इसलिए उन्होंने आपको दो दो पेपर आपके कराए जाएंगे थर्ड ईयर में, यानी टाइम आपके पास कम होगा। आप थर्ड ईयर की तैयारी करेंगे कि सेकेंड ईयर की तैयारी करेंगे, कौन से प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लगता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी जल्द इस बारे में कोई गहन चिंतन मंथन करके नई गाइडलाइन जारी करेगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये चाहते होंगे कि सेकेंड ईयर में प्रमोट के बाद उन्हें जब थर्ड ईयर में पहुँचें तो उन्हें दो दो परीक्षाएं देनी पड़े। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन कौन स्टूडेंट चाहता है कि एक साल में आपको दो दो परीक्षाएं देनी पड़ें, ऐसे अगर कोई स्टूडेंट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हमें नहीं लगता कि 1-2% के अलावा 1-2% भी नहीं ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें एक साल में दो परीक्षाएं देने का कोई शौक़ हो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इसमें परसेंटेज डाउन होगा, स्टूडेंट सब्सट्रैक्ट होगा, स्टूडेंट टेंशन में आएगा कि आखिर में किस की तैयारी की जाए, पार्ट टू की तैयारी की जाए, पार्ट थर्ड की तैयारी की जाए, आखिर में स्टूडेंट के साथ ये सही नहीं, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्टूडेंट के साथ सही नहीं हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।